दिव्यांग जन कल्याण संघ के बैनर तले शनिवार को झंडा मैदान में काला बिल्ला लगाकर काला दिवस के रूप में मनाया गया। यहां कार्यक्रम का नेतृत्व और अध्यक्षता दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी द्वारा किया गया। बाद में काला दिवस के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चुनावी घोषणा में कहा था कि सरकार बनते ही दिव्यांगों वृद्धा और विधवा की पेंशन राशि का 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के बनने में लगभग 3 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक इन बातों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि RPWD एक्ट 2016 को राज्य में लागू नहीं करने तथा धरातल पर नहीं उतारने से दिव्यांग जनों को काफी समस्या हो रही है। इस कानून को लागू हो जाने से दिव्यांग जनों की सारी समस्या और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिव्यांग जनों को अंत्योदय पीला कार्ड बनाने की बात थी जो अब तक नहीं बनी है। साथ ही सरकारी नौकरी की बहाली में दिव्यांग विधवा वृद्धा के लिए 4% आरक्षण भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूरे राज्य में दिव्यांग जन 26 नवंबर से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इनकी मांगों को नहीं सुना गया। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम सभी आंदोलनरत रहेंगे। मौके पर कई दिव्यांग जन उपस्थित थे। हमारी मांगे पूरी करो, दिव्यांग जन कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं राजेश्वर तिवारी, दिव्यांग जन कल्याण संघ अध्यक्ष। आज विश्व विकलांगता दिवस है, बहुत खुशी की दिन है, लेकिन हम लोग खुशी की दिवस ना मना करके गम के दिवस में काला दिवस मना रहे हैं, जो कि हम सभी दिव्यांग भाई बहन दिव्यांग जन काला बिल्ला लगा करके हम लोग गम की दिवस मना रहे हैं। वो कारण है कि महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी द्वारा चुनावी घोषणा में ये वादा किया गया था कि हमारी सरकार अगर होगी तो हम दिव्यांग वृद्धा विधवा को 1000 पेंशन राशि से बढ़ा करके हम 2500 करेंगे, जो कि वो अपना वादा वो पूरा करने में विफल रहा, आज 3 साल पूरा होने जा रहा है। दूसरा है कि RPWD एक्ट 2016 एक कानून बनी दिव्यांग जनों के लिए, जो कि ये कानून अगर हमारे झारखंड सरकार लागू कर देती है तो दिव्यांग जनों का चन दिव्यांग जनों को चाहिए, जो कि आज तक कहीं कोई बहाली नहीं दिया गया। युवा बैकलॉग बहाली करने की बात कही गई थी, वो भी पूरा नहीं किया गया। इस तरह से हम लोगों के 21 प्रकार के मुद्दा है जो कि हम राज्य सरकार के समक्ष हम लोग रखे हैं। 26 नवंबर से हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, मांग लोग लेकर के हम भी वहाँ शामिल थे। हम फिलहाल अभी आ गए यहाँ जिला में काला दिवस मनाने के लिए, कल मैं फिर जाऊँगा। और 26 प्रकार का मांग है जो कि वो आंदोलन लंबा चलेगा, अभी तक हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनी है और जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक हम लोग का यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग रांची राजभवन के समक्ष बैठे हैं, आने वाला दिन में 2-4 दिन के अंदर हम लोग फिर निर्णय लेंगे, रोड जाम करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।